आपको पता होना चाहिए गृह प्रवेश है जी, सोनू के घर का गृह प्रवेश है और ये सब रिश्तेदार बैठे हैं है? और सभी उनके बराबर में कुनरकी में उपचुनाव है सर, पड़ोस में है। हाँ चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा और चुनाव जीतेंगे और सभी सीटों पर, 9 सीटों पर हो रहा है, अभी एक सीट का भी नहीं हुआ है, और सभी पर हमारा जो गठबंधन है मिलकर के चुनाव लड़ेगा और सभी सीटें जीतेंगे। सर अयोध्या की सीट को छोड़ा गया है जिस प्रकार से अभी कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई, और समाजवादी आपकी पार्टी के द्वारा नेताओं द्वारा आरोप लगाएंगे कि इस प्रकार से सीट को क्यों रोका, क्या मानना है सर उसके लिए? नहीं रोकना नहीं चाहिए था, अब वहाँ तो जो विधायक थे वो सांसद हो ही गए, सब वो तो सीट खाली हो ही गई। सर यह कुंदरकी की बात करें तो आपकी पार्टी ने कोई गठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं, किस प्रकार से अब हो जाएगा, आज कल इंतजार कर लो। आज कुंदरकी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं, वो भी अपनी रणनीति बना रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? तो देखिए इंडिया गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा, अब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों मिलकर के बात कर लेंगे, और वो हमेशा समाजवादी पार्टी की सीट रही है। सर विशेष क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर? देखिए विशेष तो यह है कि जनता से हमारी अपील है, जनता इस सरकार में बर्बाद हो रही है, सभी वर्ग के लोग, किसान गरीब नौजवान और सभी व्यापारी, मध्यम वर्ग का व्यापार तो पूरा ख़त्म ही हो गया है, किसान बर्बाद हो ही गया है, तो सब लोग मिलकर के सरकार को हटा दें। सर दूसरा अभी हाल ही में डायरेक्टिव चुनाव हुआ है उसको लेकर तमाम प्रदर्शन किसानों द्वारा देखे गए, क्या कहना है यूपी भर में, लेकिन बात करें मुरादाबाद की तो मुरादाबाद की बिलारी में भी लगभग 13 किसान ने धरना दिया था सर, उसका कोई रिजल्ट नहीं लग पाया, लेकिन उसके बाद अब चुनाव कल जो बीते दोनों चुनाव उसमें क्या कहना चाहिए? नहीं किसान परेशान है ही, किसानों की कीमत ठीक से मिल नहीं रही और देखिए बिजली ठीक से मिल नहीं रही, परेशानियाँ हैं, छापे अलग पड़ रहे, बिजली दे नहीं पा रहे, तो ये सभी समस्याएँ भारतीय जनता पार्टी दे रही है। सर हरियाणा चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा ने जीत दर्ज की और उसको मीडिया का जो एग्जिट पोल था वो सब उल्टा हुआ, क्या कहना चाहिए? अब देखिए वो तो स्वीकार सबको ही करना पड़ेगा, जनता ने जो फैसला हुआ है तो स्वीकार है, लेकिन कहीं कहीं गठबंधन की कमी रही, अगर गठबंधन ठीक से हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीत नहीं सकती। तो क्या समा